अलैकुम दोस्तों, यदि आप कतर में रहते हो और कतर के अहमतरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्कोप का पूरा देखिए। चैनल पर नए हो या फिर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको दोस्तों फ्री में हमेशा मिलती रहे। तो साथियों, आज की वीडियो में सबसे पहली जो खबर दोस्तों आ रही है वो कतर चैरिटी की तरफ से आ रही है। तो भाई, आपको पता ही होगा कि कतर चैरिटी जो है बहुत ही बड़ी संस्था है जो अलग अलग कंट्रियों को हमेशा कतर जो है वो मदद करते रहता है। तो दोस्तों, कतर चैरिटी की तरफ से इस बार सूडान को मदद भेजा गया लगभग 30 टन एड अराइव्स, यानी दोस्तों दवाइयां वगैरह, खाने पीने की चीजें वगैरह लगभग वहां पे 30 टन भेजा गया है, जो कि कतरी एरोप्लेन के द्वारा दोस्तों वहां पे भेजा गया है। जिसके बाद दोस्तों सूडान के गवर्नमेंट की तरफ से इसके लिए शुक्रिया अदा किया गया। साथियों, सूडान को लगातार कतर जो है वो मदद करता रहता है, फिर इस बार लगभग 30 टन का मदद कतर की तरफ से भेजा गया। अगली जो अपडेट दोस्तों हमारे साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एंड औकाफ की तरफ से आ रही है। तो भाइयों, आप लोगों को जैसा कि पता ही होगा कि पूरी दुनिया में हज स्टार्ट हो चुका है, सऊदी अरेबिया में पूरी तैयारियां की जा रही है, बहुत सारे फ्लाइटें वगैरह उड़ान भी भर रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर टूरिज्म की तरफ से कल के दिन ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया गया है कि इस बार जो हज का जो महीना चलने वाला है, यानी जो महीना चल रहा है, इस दौरान लगभग 18 टूर ऑपरेटर को इस बार ऑपरेट किया जाएगा, यानी लगभग 18 कंपनियों के द्वारा या फिर 18 टूरिज्म सेक्टर के द्वारा वहां पे हज वगैरह पे जो भी लोग जाना चाहते हैं वो लोग जा सकेंगे। ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया गया है, हज टूरिज्म के हज कमेटी की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया है। तो जो भी भाई लोग आप लोग जाना चाहते हो, लगभग 18 तरह का वहां पे टूरिज्म वहां पे कंपनियां हैं, उसके थ्रू आप लोग जा सकते हो। अगली अपडेट की ओर साथियों चलते हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही साथियों वो आ रही कतर के आमिर की तरफ से। तो दोस्तों, कतर के आमिर की तरफ से कल के दिन वहां पे लंसियोन आमिरी कप का दोस्तों वहां पे रनर अप को वहां पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जिसके बाद कतर के आमिर भी पहुंचे, बहुत सारे लोग वहां पे पहुंचे, जो भी मिनिस्ट्री के लोग शामिल थे वो सभी लोग वहां पे पहुंचे और प्राइज वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह जो भी चीजें वगैरह जो है वो की गई। अगली जो अपडेट दोस्तों आ रही साथियों वो आ रही है स्काईलाइन ऑटोमेटिव कंपनी की तरफ से। तो भाइयों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि स्काईलाइन ऑटोमेटिव जो कंपनियां हैं वो जेदा ग्रुप कंपनी है। तो साथियों, उनके तरफ से कल के दिन एक नई कार को लॉन्च किया गया कतर में, जो कि साथियों गिली कोलरे ऑफिशियल लॉन्च कतर जो किया गया है। तो जो भी लोग आप लोग यदि आप गिली कोलरे कंपनी का यदि आप कार वगैरह खरीदते हो, खरीदना चाहते हो, तो नए ब्रांड, नए डिजाइन, नए तरीके का वहां पर लॉन्च किया गया है, खरीदना चाहो तो जाकर खरीद सकते हो। अगली खबर दोस्तों जो आ रही मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से। तो एमओआई की तरफ से दोस्तों कल के दिन वहां बताया गया है कि वहां पे लगभग एक शख्स वहां पे मिसिंग हो चुका था, यानी समुद्री एरिया में, जिसके बाद काफी वहां पे बामुशक्कत के बाद 24 घंटा के अंदर दोस्तों उसे रेस्क्यू कर लिया गया है। बताया ये जा रहा है कि एयर एंड मार्टम सर्च एंड रेस्क्यू टीम जनरल डेकोरेटिव कोस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से ऑफिशियली कल के दिन अनाउंसमेंट किया गया कि जो शख्स वहां पे खो गया था उसे खोजकर निकाला जा चुका है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही साथियों वो आ रही है वहां के शेख हमद बिन खलीफा बिन अहमद अल थानी जो है, और जो प्रेसिडेंट ऑफ अरब जो अरब गल्फ कप के जो फेडरेशन के जो हेड है, उनके उनके तरफ से अनाउंसमेंट किया गया कि दोस्तों जो अल थानी अहमद बिन अल थानी जो है उनको चुना गया है प्रेसिडेंट ऑफ गल्फ अरब कप जो होने वाला है 2027 में, उसको लेकर वहां पे उनको हेड चुना गया। तो दोस्तों, ये कुछ खबरें थी, कुछ अपडेट्स थी जो कि कतर से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक।